सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ आई हूँ और मेरे पीछे जो ये जगह है वो कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा अब्बासी और आज मैं एक ऐसी जगह आई हूँ जो कि वेडिंग शूट और फैमिली पिकनिक के लिहाज से काफ़ी मशहूर है। जी तो आज मैं मौजूद हूँ बागे जिना में। तो चलिए आज हम आपको बागे जिना की सैर कराते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी तारीख के हवाले से आगाह करती चलूं। इस साइड पे आप देख सकते हैं गुलिस्ताने फातिमा है जो कि फातिमा जिना के नाम पर रखा गया है। अगर आप बागे जिना आते हैं तो आप भी इस जगह आ सकते हैं सिवाय इस एरिया के, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जनरल पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और कुछ ऑफिशियल डिनर्स भी होते हैं और मैंने सुना है यहाँ पे मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट भी आते हैं। यहाँ एक ओपन थिएटर भी है जो कि इसी साइड पर वाकया है। सुना है ये लाहौर का सबसे पुराना थिएटर है। बागे जिना में दो तीन क्लब भी हैं जैसा कि लेडीज़ क्लब और कॉस्मोपॉलिटिकल क्लब वगैरह। अब चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ, ऊपर से बागे जिना है भी इतना बड़ा, तो बाकी की कहानी मैं आपको बैठ के सुनाऊंगी। बागे जिना बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद कुछ जगहें लाहौर ज़ू को दे दी गईं, कुछ सड़कें बन गईं और कुछ जगह पे GCU और बोटैनिकल गार्डन बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका रकबा तकरीबन 112 एकड़ तक फैला हुआ है। यहाँ पर मुगल गार्डन भी है जहाँ पे एक फाउंटेन वाकया है और मैंने सुना है इस जगह पर मुख्तलिफ सॉन्ग्स की शूटिंग वगैरह भी होती है। बागे जिना में दो लाइब्रेरी भी वाकया है, एक कायदे आज़म लाइब्रेरी और दूसरी दलील अवाम लाइब्रेरी। हमारे शहर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं और बहुत से ऐसे मुकामात हैं जिनके बारे में हमें कुछ इल्मी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टॉक। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी के साथ अपनी इस मेज़बान आयशा अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।